वेगनर मोदे के बारे में कल चर्चा की थी हमने, ये क्या थे, ये जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वेता या क्या थे, मौसम विज्ञानी थे। क्लियर है यहां तक? ये अध्ययन तो कर रहे थे किसके, क्लाइमेट का या जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जहां वनस्पति के कुछ अंश है ही नहीं, लेकिन उस आइस के नीचे उसे क्या मिला, कोयला मिला, और वो भी किस युग का, कार्बोनिफेरस युग का। इन्हें क्या मिला, इनको कोयला मिला। तब इनके दिमाग में एक बात आई कि यहाँ सदियों से जब बर्फ जमी हुई है, वनस्पति का नामो निशान नहीं है, तो ये कोयला कहाँ से आया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के कोयले के जो नमूने थे उनको उठाया और देखा कहाँ, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और प्रायद्वीपीय भारत में। वो कोयला एक समान एज का था और एक ही वनस्पति का था, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप काफी मील दूर स्थित है इनसे, किनसे, अंटार्कटिका दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से और प्रायद्वीपीय भारत से। तब इन्होंने मौसम के अध्ययन को बीच में ही छोड़कर इन्होंने थ्योरी दी कौन सी, महाद्वीपीय विस्थापन। तो इन्होंने कल्पना की अपने सिद्धांत में कि आज जो सात महाद्वीप हैं, कितने हैं महाद्वीप, सात महाद्वीप हैं, वो पहले क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इस जुड़े हुए रूप को इन्होंने नाम दिया क्या, पेंजिया, यानी सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब सातों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनको नाम दिया पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते थे। और इस पेंजिया के चारों तरफ क्या था, एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। फिर इन्होंने दो फोर्स माने, एक तो कौन सा, भूमध्य रेखीय बल के दो, या उत्प्लावन बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है, पेंजिया में टूटन होती है। और दूसरा था आपके कौन सा, सूर्य व चंद्रमा का जवारीय बल। इन दो बलों के कारण क्या होती है, पेंजिया में टूटन होती है। और ये टूटन मानते हैं पहली कौन सी, पहली टूटन मानते हैं ये कार्बोनिफेरस फेरस युग के अंतिम चरण में, और परमियन युग के प्रारंभ में। यानी कार्बोनिफेरस युग तो समाप्त होता है और स्टार्ट हो जाता है कौन सा, परमियन युग स्टार्ट हो जाता है। चलो, तो वेगनर मोदे दो फोर्स मानते हैं पेंजिया में टूटन या विघटन का, कौन सा, भूमध्य रेखीय बल के दो, उत्प्लावन बल के दो, या ग्रेविटी फोर्स के दो। और दूसरा इन्होंने माना क्या, सूर्य व चंद्रमा की जवारीय शक्ति या जवारीय बल। तो सबसे पहले जब पेंजिया में टूटन हुई थी, प्रथम टूटन, तो हुई थी कब, वो हुई थी कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में और परमियन युग के प्रारंभ में। तो यहां लिख देता हूं, प्रथम विखंडन किसमें, पेंजिया में, किसके कारण, दोनों बल उत्तरदायी माने इन्होंने, भूमध्य रेखीय बल और जवारीय बल के कारण पेंजिया में सबसे पहली टूटन होती है। और पेंजिया क्या हो जाता है, दो भागों में बंट जाता है, अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जैसे ही प्रथम टूटन होती है, तो पेंथालासा का जल इस टूटे हुए पार्ट में क्या आ जाता है, एंटर कर जाता है, जिससे आपके बनता है कौन, तेटिस सागर।
यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ कोमल? ठीक है, फिर बात करते हैं परमियन युग के बाद आता है मेसोजोइक काल, और मेसोजोइक काल का एक मेसोजोइक युग का एक काल आता है कौन सा? जुरेसिक काल। इस जुरेसिक काल में अंगारा लैंड वे गोडवाना लैंड दोनों में क्या होती है? दोनों में विखंडन, दोनों ही टूटते हैं। कौन? अंगारा लैंड से भी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ पार्ट, और गोडवाना लैंड से भी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने बल अलग अलग माना है, काल एक ही है। मनफूल किसका? मेसोजोइक का, जुरेसिक काल, जिसमें अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड दोनों में क्या होता है? विखंडन होता है। अंगारा लैंड में तो इन्होंने माना क्या? ज्वारीय बल। और गोडवाना लैंड में इन्होंने माना कौन सा? भूमध्य रेखीय बल। तो भूमध्य रेखीय बल के कारण जैसे ही गोडवाना लैंड में टूटन प्रारंभ होती है, तो यहां से गोडवाना लैंड से अफ्रीका से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? और मैंने कहा था सिलूरियन युग में वेगनर मोदे भूमध्य रेखा को कहां मानते हैं? आज का जो वर्तमान नॉर्वे है वहां से गुजरता हुआ मानते हैं भूमध्य रेखा को। कौन? वेगनर मोदे। तो इसका मतलब पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां था? नॉर्वे के आसपास था। और जहां पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है, आप सबको पता है ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा कहां रहता है? जहां भूमध्य रेखा रहेगी बीचों बीच। तो इस भूमध्य रेखा बल को हम और क्या कह रहे थे? इधर गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा इन्होंने कहा ये जो पेंथलासा है और जो पेंजिया है, पेंथलासा किसका बना हुआ है? सीमा का बना हुआ है, और पेंजिया सियाल का। याद आ रहा होगा कुछ? स्वेज के अनुसार सियाल, सीमा और निफे। अब बताओ इन दोनों में डेंसिटी अधिक किसकी है? डेंसिटी का मतलब घनत्व किसका अधिक है? डेंसिटी अधिक है किसकी? सीमा की। लगभग कितनी मानते हैं ये? 5। और सियाल का घनत्व कितना मानते हैं? 2.3 या राउंड फिगर में 3 मानते हैं। इसका मतलब मनफूल इन दोनों में भारी कौन है, हल्का कौन है? भारी तो कौन है? सीमा। और सीमा किसकी बनी हुई है? किसके नीचे? पेंथलासा के नीचे। और सियाल के कौन बने हुए हैं? ये पेंजिया बना हुआ है। इसका मतलब पेंजिया का घनत्व क्या है मीनाक्षी? कम है। तो जाहिर सी बात है भारी पदार्थ के ऊपर हल्का पदार्थ तैरेगा, तैरेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये विघटन हुआ था इस फोर्स के कारण, तो पेंथलासा जो सीमा का बना हुआ है और जो पेंजिया सियाल का बना हुआ है, इस सीमा के ऊपर तैरता हुआ इस फोर्स के कारण क्या होता गया? टूट कर विखंडित होता गया। आई बात समझ में? नहीं आई यहां तक? तो भूमध्य रेखीय बल के कारण गोडवाना लैंड से कुछ पार्ट टूट कर क्या रह गए? उत्तर की ओर गति करने लगे, क्योंकि भूमध्य रेखा कहां से गुजर रही थी? सिलूरियन युग में नॉर्वे के पास से होकर गुजर रही थी। तो प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका या गोडवाना लैंड से टूट कर उत्तर की ओर गति करने लगा। और जैसे ही मनफूल उत्तर की ओर गति करने लगा, बीच में कौन आ गया? तेटी सागर आ गया। और तेटी सागर आते ही इधर से इसने प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने से इस तेटी सागर के अंदर जितना भी सेडिमेंट था, जो मलबा था, वो क्या हो गया? फोल्ड हो गया। फोल्ड होकर क्या बन गया? वलित पर्वत बन गया, जैसे हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी हमने, भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोनों के अनुसार पढ़ी थी हमने। फिर बात करते हैं किसकी? इस फोर्स की, सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व। लेकिन चंद्रमा का जो ज्वारीय केंद्र होता है वो उल्टा घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो फिर अंगारा लैंड में यहां पर जो यूरोप था, यूरोप से टूटकर उत्तरी अमेरिका, और गोडवाना लैंड से अफ्रीका से टूटकर कौन? दक्षिण अमेरिका। चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर गति करने लगते हैं। गति का मतलब सीमा के ऊपर सियाल तैरते हुए पश्चिम की ओर चलने लगते हैं। और फिर जैसे ही पश्चिम की ओर ये गति करते हैं, तो फिर बीच में फिर आ जाता है कौन? सीमा, यानी हम इसे पेंथलासा कह सकते हैं। जैसे ही पेंथलासा बीच में बैरियर बनाता है पश्चिम की ओर सरकते हुए स्थलखंडों में,
तो यहाँ पर से भी क्या पड़ता है, प्रेशर या दबाव पड़ता है, क्योंकि पेंथलासा भी एक क्या है, भूसन्नति है या तेटी सागर जैसा ही है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर प्रेशर पड़ने के कारण किसका निर्माण होता है, रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये लो उत्तरी अमेरिका में बना दिया आपके क्या, रॉकीज, और इधर बन गया आपके कौन सा, एंडीज। लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठे कौन, वेगनर। इन्होंने सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया और विश्व में जितने भी आज पर्वत श्रेणियां हैं, वलित पर्वत मालाएं, वो लगभग कैसे फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, चाहे अल्पाइन को ले लो, आल्प्स को ले लो, हिमालय को ले लो, सारी की सारी कैसे फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका मतलब पहले क्या था, तेटी सागर था, ये उत्तर की ओर खिसक सकते हुए क्या बने, पश्चिम से पूर्व की ओर वलित पर्वत बने। लेकिन इनकी उत्पत्ति की व्याख्या में इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं आया कि भाई ये तो उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। आप देख लेना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर रॉकीज पर्वत है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण एंडीज पर्वतमाला है, इसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। इसीलिए अपने मृत्यु के समय तक ये इसमें संशोधन करते रहे, लेकिन स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन काफी हद तक इन्होंने अच्छी बात बताई, इसलिए इनके सिद्धांत को क्या मिल गई, मान्यता मिल गई, ताकि आने वाले जो विद्वान हैं उनके लिए ज्ञान के मार्ग खोल दिए। फिर देखो बात करते हैं मेसोजोइक और जुरैसिक काल की, हो गई थी क्लियर। फिर आता है देखो आपका कौन सा, सेनोजोइक या टर्शरी काल। इस टर्शरी काल के प्रारंभ में क्या हो जाते हैं, पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है और इसी युग के अंत में, जिसे हम प्लायोसीन कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं सॉरी प्लीस्टोसीन, वर्तमान महाद्वीप वे महासागरों का रूप प्राप्त होता है। इस काल में मेसोजोइक में ही धीरे धीरे जुरैसिक काल में, आपको याद होगा जुरैसिक एक मूवी भी आई थी, हाँ, इस जुरैसिक काल में क्या होता है, जुरैसिक पहले एक ट्रायसिक काल आता है, यहां से विशाल डायनासोर उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और जुरैसिक काल तक क्या हो जाते हैं, विशाल का ये डायनासोर पूरे पेंजिया के ऊपर फैल जाते हैं। और जुरैसिक काल के बाद आता है आपके क्रिटेशियस काल, और क्रिटेशियस काल में क्या होता है, ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसी क्रिटेशियस काल में एक घटना और हुई थी, उल्कापात हुआ था इस पेंजिया के ऊपर, आकाशीय जो पिंड होते हैं उनका गिरना शुरू हुआ था, जिसके कारण डायनासोर क्या हो गए, इस धरती से विलुप्त हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, कब, इस काल तक। और सेनेजोई के दो या टर्शरी के दो, टर्शरी का भी है कौन सा, प्लीस्टोसीन काल। यहाँ तक सात जो महाद्वीप हैं अपना वर्तमान स्वरूप और पांच जो महासागर हैं वो अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लेते। अब समझने वाली चीज ये है कि जैसे जैसे जहां से खंड टूटते गए, टूटे बीच में फॉल्ट आई, दरार आई, गैप आई, वहां पर पेंथालासा का क्या हो गया, जल भरता गया। अब कल वाली बात जब हम राजस्थान के संदर्भ में लें, तो इस जुरैसिक काल में जब गोंडवानालैंड में विखंडन हुआ तो प्रायद्वीपीय भारत टूट कर क्या हुआ, उत्तर की ओर गति कर रहा था, किस बल के कारण, भूमध्य रेखीय बल के कारण। तो बीच में आ गया कौन, तेटी सागर। तो तेटी सागर से टकरा कर एक तो क्या बना, हिमालय पर्वत, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत क्या हो गया, तिरछा हो गया, यानी पश्चिम में खड़ा ढाल और पूर्व में मंद ढाल। तो खूब सारी घटनाएं घटित हुई, और इसी समय जो तेटी सागर का, जो सागर का जल का अतिक्रमण था उत्तर के विशाल मैदान में, तो पश्चिम की ओर खड़ा ढाल होने के कारण इसका जल कहाँ आ गया, बेक में आ गया, और धीरे धीरे आगे चलकर ये प्रायद्वीपीय भारत के जो दोनों किनारे थे उनमें अवतलन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिससे क्रम से आपके क्या बने, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी बनी। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसे हम क्या कह सकते हैं, किसका अवशेष है, ये तेटी सागर का
अवशेष हैं, और पूर्वी मैदान ये भी तेतीस सागर का अवशेष है। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने हिमालय को अपर्दित करके वहां से फ्रेश सोइल जलोढ़ मृदा लाकर डिपॉजिट कर दी, कहां? उत्तर के विशाल मैदान में। और पूर्वी मैदानी भाग जो है राजस्थान का, वो भी क्या हो जाता है? उपजाऊ, क्योंकि नई मिट्टी बीत जाती है तो उपजाऊ मैदानी भाग बाद में तेतीस का नहीं होकर किसका कहलाता है? उत्तर के विशाल मैदान का पार्ट कहलाता है। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। और भारत के संदर्भ में बात करें तो पूर्वी मैदान किसका भाग है? तेतीस सागर का भाग है। अब बताओ यहां तक देखो, अभी ये थोड़ी बहुत डीपली है, केवल ऊपर ऊपर से ही बताया है मैंने, केवल समझने के लिए आखिर हुआ क्या था। हुआ ये था, जो सात महाद्वीप थे वो जुड़े हुए थे। कौन बता रहा है? वेगनर मोदे बता रहे हैं। और इस जुड़े रूप के चारों तरफ क्या था? एक विशाल महासागर था जिसे पेंथलासा नाम दिया, सुपर ओशियन। फिर दो फोर्स के कारण सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में और परमियन युग के प्रारंभ में पेंजिया में प्रथम टूटन होती है। देखो लिखा हुआ प्रथम विखंडन पेंजिया। और जैसे ही प्रथम विखंडन होता है किसका निर्माण हो जाता है? तेतीस सागर का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही तेतीस सागर का निर्माण होता है तो आगे आता है टाइम पीरियड मेसोजोइक का, जुरेसिक काल। और जुरेसिक काल में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों में क्या शुरू हो जाती है? टूटन या विघटन प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स माने हैं वेगनर ने। तो जैसे ही पहले ले लेते हैं अंगारा लैंड को, अंगारा लैंड किस फोर्स से टूटा? जवारीय बल। जवारीय बल किसका? सूर्य व चंद्रमा का संयुक्त जवारीय बल। और जवारीय बल हमेशा क्या होता है? पश्चिम की ओर गति करता है। रीजन बता दिया मैंने, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। महासागरों में जो जवार आते हैं ना, तो ध्यान रखना कम से कम 26 मिनट बाद आते हैं पुनः उसी स्थान पर। रीजन, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा आगे निकल जाता है तो चंद्रमा का जवारीय बल क्या रह जाता है? पीछे रहता है। तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? बढ़ने लगता है। इस बल के कारण गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका और अंगारा लैंड से कौन? उत्तरी अमेरिका टूट कर क्या होते हैं? पश्चिम की ओर गति करते हैं। और जैसे ही टूटे, बीच में जो दरार आई, पेंथलासा का जल भर गया और अंध महासागर का निर्माण हुआ। और यहां तक आते आते पर्वत निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? वेगनर के अकॉर्डिंग। और फिर इसी महाकल्प में प्लीस्टोसिन काल में महाद्वीप और महासागर अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। जो पहले जुड़े हुए थे अब लाखों किलोमीटर दूर जाकर विस्थापित हो गए। ये थी आपके वेगनर की थ्योरी। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई थी। आलोचना ये हुई कि भाई एक बात बताइए वेगनर मोदे, चंद्रमा और सूर्य तो आज भी हैं, इनका जवारीय फोर्स या टाइडल फोर्स तो आज भी एक्टिव है, आज एक्टिव है तो आज भी ये फोर्स लगना चाहिए, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से और कुछ हिस्से टूट कर क्या बनना चाहिए? महाद्वीपों का नया निर्माण होना चाहिए, और बीच में फिर फॉल्ट आई, पेंथलासा का जल भरना चाहिए और नए महासागर का निर्माण होना चाहिए। इसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। और फिर एक चीज और भी है, आज का जो वैज्ञानिक फैक्ट है वो ये कहता है कि चंद्रमा और सूर्य की जवारी शक्ति इतनी नहीं है कि वो पेंजिया को क्या कर सके? दो भागों में बांट सके। लेकिन ऐसा वेगनर ने माना था। तो ये थी आपके वेगनर की थ्योरी। कुछ सिमिलर बातें भी हैं, सिमिलर मतलब कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं इनको, तभी ये सिद्धांत दिया इन्होंने। जैसे कोयले की बात की थी हमने, कोयला कहाँ से आया? एक ही वनस्पति, कौन सी? ग्लास सोप टेरेस वनस्पति के दबने से आज दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला मिल रहा है वो कौन सी वनस्पति का है? ग्लास सोप टेरेस वनस्पति का है। और एक ही टाइम पीरियड में बनी है वो, कौन से में? कार्बोनिफेरस युग में। जब ये टूटा, टूटने से वो वनस्पति क्या हो गई? दब गई। और कालांतर में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण क्या हो गई? कार्बन में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इस सिद्धांत को ज्यादा मान्यता नहीं मिली और इन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लेकिन आने वाले टाइम में एक थ्योरी आ गई थी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उन्होंने पेंजिया की जगह क्या बता दिया? कि ये जो महाद्वीप है वो अलग अलग प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं, और प्लेटें क्या करती है? मूवमेंट करती है, गति करती है।
बात तो वही है, पेंजिया अभी तो गति कर रहा था, बस वही चीज है। बाद में लेंगे हम इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी। अब एक बार इसे बंद करो, रोक दो इसे, रोक दो एक बार ही पूरा बंद। इसमें लिखे पेंजिया में प्रथम टूटन या विखंडन, पेंजिया में प्रथम विखंडन, प्रथम विखंडन या टूटन। मार्कर तो चलेगा नहीं यार। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में, कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में या परमियन युग के प्रारंभ में, बल किसको माना? दोनों ही बल को सम्मिलित माना। कौन कौन सा? जवारीय बल और भूमध्य रेखीय बल। इन दोनों बलों के सम्मिलित प्रभाव से पेंजिया में प्रथम टूटन होती है और टूटने से किसका निर्माण होता है? तेटिस सागर का निर्माण होता है। तो ये तो थी आपके प्रथम बात। फिर बात करते हैं द्वितीय बात। द्वितीय में लिखे मेसोजोइक के जुरेसिक काल में, मेसोजोइक के जुरेसिक काल में इसमें यह भी ऐड करना चाहो तो लिख लेना, प्रथम टूटन में उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोडवाना लैंड, ताकि पढ़ते वक्त ये कंफ्यूजन ना रहे। दोनों खंडों में टूटन या विघटन, और तीसरा लिख लेना सेनोजोइक या टर्सरी। सेनोजोइक या टर्सरी दिखाई दे रहा है? ऊंसा इधर, ये लो इधर ले लेता हूं, दिख रहा है सबको? सेनोजोइक या टर्सरी में मेसोजोइक काल के जुरेसिक में दोनों खंड टूटे या टूटन। और भी ऐड करना चाहो तो ये लिख लेना, गोडवाना लैंड भूमध्य रेखीय बल से और अंगारा लैंड जवारीय बल से। इसमें लिखना है दोनों खंड टूटे ना, उसमें लिख लेना अंगारा लैंड। जवारीय बल से और गोडवाना लैंड। भूमध्य रेखीय बल से, यानी इसमें कंप्लीट टूटन प्रारंभ हो जाती है और जवारीय बल से अंगारा लैंड से टूटकर पश्चिम की ओर सरक जाते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और गोडवाना लैंड से टूटता है कौन? प्रायद्वीपीय भारत। और अफ्रीका से कौन टूटता है? दक्षिण अमेरिका, और अंटार्कटिका पीछे छूट जाता है। ये बात बता रहे कौन? वेगनर मोदे। और फिर ये आपके अंतिम सेनोजोइक या टर्शरी काल में, ये काल जब स्टार्ट हुआ था प्रारंभ में, पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू, और फिर इसी का एक
और काल था, कौन सा? प्लायोसीन, सॉरी प्लीस्टोसीन नहीं है, प्लायोसीन। प्लायोसीन में लिख लेना वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का रूप प्राप्त होता है। सेनेजोइक या टर्शरी के प्रारंभ में पर्वत निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट, और सेनेजोइक या टर्शरी के ही प्लायोसीन में वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप प्राप्त होता है। वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप प्राप्त होता है। हालांकि आप लोगों को इतने डीप से नहीं पूछेंगे कि अंगारा लैंड किस बल से टूटा, गोडवाना लैंड किस बल से टूटा, लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभार सवाल आ जाता है, बड़े एग्जाम में आता है, छोटे एग्जाम में नहीं आता। अगर फर्स्ट ग्रेड लेवल का है तो 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका किस फोर्स के कारण टूटकर पश्चिम की ओर अग्रसर हुआ, तो ध्यान रखना ज्वारीय बल। और आ जाए कि किस काल में प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर की ओर गति करने लगा, तो वो रहेगा कौन सा? भूमध्य रेखीय बल, ओब्लिक करके सब लिख लेना, उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल। और उत्प्लावन बल का नियम भी यही कहता है कि ये जो पेंज है जो है वो सियाल का बना हुआ है, सॉरी सीमा का बना हुआ है, वो सियाल के ऊपर तैरता हुआ उत्तर की ओर गति करता है, और गति करते हुए 33 भूसन्नति को क्या मारता है? टक्कर मारता है, और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप क्या होता है, देखो ये भी भूमध्य रेखीय बल के कारण हल्का सा उत्तर में जाता है, और उत्तर में जाता है तो यहां आ जाता है कौन? 33 सागर का बचा हुआ भाग, कौन सा? मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी को जाकर क्या मारता है? सिद्धार्थ टक्कर मारता है। तो यहां पर देख लेना आपके अपलेशियन पर्वत, सॉरी अल्पाइन पर्वतमाला यूरोप की, वो यही है भूमध्य सागर के उत्तर में, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में, और फैले हुए कैसे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो पेंजिया टूटा, टेटी सागर बना, उत्तरी भाग अंगारा लैंड कह दो या लोरेशिया, और दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? गोडवाना लैंड कहलाएगा। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो दिखाया था जुरेसिक काल, ये यहां पर इसने गलत लिख दिया। जुरेसिक काल में तो दोनों खंड टूटते हैं और टूटकर धीरे धीरे अलग होते हैं, फिर आ जाता है कौन सा आपके? सेनोजोइक। ये मत लिखना, ध्यान रखना गलत लिखा हुआ है, ये आधी अधूरी जानकारी होती है ना तब लिख देते हैं लोग। सेनोजोइक या टर्शरी काल में क्या हो जाता है? एक तो पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है पूरी, और सेनोजोइक के ही प्लायोसीन में वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का क्या हो जाता है? निर्माण पूर्ण हो जाता है। ये बात बता रहे कौन? वेगनर मॉडल। और हमेशा यही बात बताई जाती है सब जगह, वेगनर की थ्योरी। और जिसको वेगनर की थ्योरी समझ में आ जाए सिद्धार्थ, वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कहीं नहीं अटकने वाला। बना दिए महाद्वीप और महासागर, आगे बढ़े, ये बताने की आवश्यकता नहीं अपने को। फिर देखो अब बात आ गई है कि कौन सा पार्ट किसका हिस्सा है। ये अंगारा लैंड था, ये गोडवाना लैंड था, बीच में कौन था? टेटी सागर। तो देखो हाड़ौती का पठार कह दो या दक्षिण पूर्वी अरावली कह दो, सॉरी दक्षिणी पठार, ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और अरावली भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। और मालवा का पठार भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार वही है जो पूर्वी अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर गति कर रहा था, ये ध्यान रखना। और ये दक्कन का पठार, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आगे देखो अब जो मैदानी पार्ट है
पूर्वी मैदानी प्रदेश तो किसका हिस्सा है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, जिसका निर्माण किसने किया है? गंगा यमुना उसकी सहायक नदियों ने किया है। और अरावली अभी भी किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अरावली किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और इधर जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना है वो किसका अवशेष है? दैट इज सागर का है। लेकिन भारत के संदर्भ में ले, ये लो क्या है रे इसके, ये आ गया वापस। भारत के संदर्भ में ले तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी किसका हिस्सा है? उत्तरी पश्चिमी उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? नहीं है, आगे बढ़े। सर 5 मिनट है ना, फिर कल यही लिया था हमने सिद्धार्थ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश विश्व के संदर्भ में, अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है या हिस्सा है? दैट इज सागर का। मध्य अरावली गोंडवाना लैंड का। लेकिन अगर यही मध्य अरावली को मैं भारत के संदर्भ में लूं तो प्रायद्वीपीय भारत जो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था, और पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर विश्व के संदर्भ में बात करें मीनाक्षी, तो यह है तेटी सागर का हिस्सा। और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश विश्व लेवल पर बात करें तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? फिर नीचे आ जाता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के संदर्भ में, और जैसे ही भारत के संदर्भ में लेंगे तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है? उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। और मध्य अरावली प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान, और दक्षिण पूर्वी या हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब ये बताओ ये लिखा या नहीं लिखा कल से? लिख लो जल्दी से।